भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशलैन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ये बुद्ध और उनका धम्म के पंचम कांड का तीसरा भाग है। इस तीसरे भाग में बाबा साहेब भिक्षुओं के कर्तव्य क्या होते हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछली कड़ी में ये बात देखी कि राजगृह और नालंदा के बीच जो सड़क है, उस सड़क पर सुप्पीय परिव्राजक और ब्रह्मदत्त ये दोनों चल रहे हैं, और वहीं पर उसी सड़क पर तथागत बुद्ध भी चल रहे हैं अपने भिक्खु संघ के साथ। आगे बढ़ने पर रास्ते में जहां अंधेरा हो जाता है तो वहां विश्राम के लिए तथागत रुकते हैं, तो सुप्पीय परिव्राजक भी और ब्रह्मदत्त भी वहीं रुक जाते हैं। लेकिन उनकी चर्चा ये सतत चल रही है। चर्चा का विषय है कि सुप्पीय बुद्ध धम्म और संघ की निंदा कर रहा है, और ब्रह्मदत्त बुद्ध धम्म और संघ इसकी प्रशंसा कर रहा है। ये चर्चा सारी रात चलती रही। सुबह भिक्षुओं ने भी देखा कि इनका जो विवाद है, ये विवाद चर्चा से हटकर अब व्यक्तिगत वाद में परिवर्तित हो गया है। तो तथागत बुद्ध ने चर्चा का विषय और उसका अनुमान किया, और वे भी वहां पहुंचे तथा पीछे आसन पर बैठ गए। वहां बैठने पर उन्होंने पूछा, बातचीत का विषय क्या है? अब तथागत इन दोनों के बीच में पहुंचे, सुप्पीय और ब्रह्मदत्त के बीच, और उनसे पूछ लिया कि भाई तुम्हारी बातचीत का विषय क्या है, क्योंकि वो किसी व्यक्तिगत विवाद में चर्चा परिवर्तित होती हुई नजर आ रही थी। तो देखिए चर्चा किस विषय पर हो रही है। तो उन्होंने तथागत को सारी बात बता दी, और तथागत ने कहा, भिक्षुओं, तथागत ने उनकी पूरी बात तो सुन ली, ब्रह्मदत्त की भी और सुप्पीय की भी, लेकिन इन दोनों की बात सुनने के बाद फिर तथागत ने भिक्षु संघ से कहा कि भिक्षुओं, यदि कोई मेरी निंदा करें, धम्म की निंदा करें अथवा संघ की निंदा करें, तो इसका तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, इससे तुम्हारे हृदय में जलन नहीं होनी चाहिए, इससे तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। तथागत की भूमिका बिल्कुल बड़ी ही स्पष्ट है कि भिक्षुओं, यदि कोई मेरी निंदा करें, धम्म की निंदा करें, संघ की निंदा करें, तब भी तुम्हें क्रोध में नहीं आना चाहिए, इससे तुम्हारे हृदय में जलन पैदा होगी। और किसी के हृदय में ईर्ष्या पैदा होना, जलन पैदा होना, उसमें उसे क्रोध आ जाना, ये कोई अच्छी बात नहीं। और फिर तथागत कहते हैं कि यदि तुम इस कारण क्रोध या द्वेष को अपने मन में स्थान दोगे, इस तरह तुम द्वेष या क्रोध को अपने मन में स्थान दोगे, तो इससे तुम्हारी ही हानि होगी, किसी दूसरे की नहीं। यदि जब कोई बुद्ध धम्म या संघ की निंदा करें और तुम उससे क्रोधित तथा उद्विग्न हो जाओ, तो क्या तुम इसका विचार कर सकोगे कि उसने जो कुछ कहा है वो ठीक कहा है या नहीं? तथागत भिक्षुओं से कह रहे हैं कि यदि कोई मेरी निंदा करता है तो तुम्हें क्रोधित नहीं होना चाहिए। अगर तुम क्रोधित नहीं होगे, तभी तुम ये जान पाओगे कि वो मेरी निंदा क्यों कर रहा है, धम्म की निंदा क्यों कर रहा है, संघ की निंदा क्यों कर रहा है। देखिएगा, निंदा करने वाले यानी कि निंदक, ये हमारे बिल्कुल पड़ोसी होने चाहिए। वो इसके लिए कि जहां जहां हम लोग कहीं गलती करते हैं,
तो उस गलती से बाहर आने का हमें कोई तो रास्ता मिले, कहीं तो कोई संकेत मिले, तो ये उसका संकेत है कि कहां गलत है। ये बात वो निंदक बताता है और इसलिए तथागत भिक्षुओं से कह रहे हैं कि तुम इसका विचार कर सकोगे अगर तुम उनके झगड़े से व्यथित नहीं होगे, अगर तुम इस बात से व्यथित नहीं होगे कि बुद्ध धम्म और संघ इसकी निंदा क्यों की जा रही है, इस बात को तुम ठीक से नहीं जान पाओगे, तो क्या तुम इसका विचार कर सकोगे कि उसने जो कुछ कहा वो ठीक है या नहीं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं, तुम तो क्रोधित हो गए, उसने निंदा की और तुम्हें क्रोध आ गया और वो क्रोध किसी दूसरे काम में परिवर्तित हो गया जो व्यक्तिगत वाद विवाद का हिस्सा बन गया, तो तुम जानोगे कैसे कि ये मेरी निंदा क्यों कर रहा था। अब देखिएगा, तो फिर बोले तथागत हम विचार नहीं कर सकेंगे। भिक्षुओं का कहना था कि तथागत हम विचार नहीं कर सकेंगे। तब फिर देखिएगा तथागत आगे कहते हैं, लेकिन जब दूसरे लोग मेरी निंदा करें, धम्म की निंदा करें, संघ की निंदा करें, तो जो बात अयथार्थ हो उसे तुम्हें अयथार्थ कहना चाहिए, तुम्हें बता देना चाहिए कि अमुक कारण से ये बात ऐसी नहीं है, ये बात हमें नहीं पाई जाती, ये बात हमें नहीं होती है। तथागत कहते हैं तुम्हें बता देना चाहिए कि अमुक कारण से ये बात ऐसी नहीं कि भाई हम इसके साथ क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ईर्ष्या के कारण नहीं, क्रोध के कारण नहीं, लेकिन ये तब बता पाएंगे जब ये तो पता चले कि उसके द्वारा की जाने वाली निंदा का कारण क्या है। फिर आगे तथागत कहते हैं कि दूसरे लोग मेरी प्रशंसा भी कर सकते हैं, धम्म की प्रशंसा कर सकते हैं, संघ की प्रशंसा कर सकते हैं, तुम पूछोगे कि क्या कहकर वे मेरी प्रशंसा करते हैं। तथागत भिक्षुओं से कह रहे हैं कि तुम ये पहले जानने का प्रयास करोगे कि वो क्या कारण है जिस कारण से ये लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। कोई कह सकता है कि श्रमण गौतम प्राणी हिंसा का त्याग कर जीव हिंसा से विरत रहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, तथागत की शिक्षाओं में यह बात शामिल है कि हिंसाचारी ना बनो, लेकिन उसी वक्त हमने पिछली बार देखा था कि तथागत भिक्षुओं को इस बात के लिए भी मना ही नहीं करते कि वे मांसाहार ग्रहण करें। फिर आगे वे कहते हैं कि श्रवण गौतम अदिन्न दाना से विरत है, जो उसका नहीं है उसे लेने की इच्छा से रहित होकर विहार करता है, जो दिया जाता है उसे ही वह ग्रहण करता है, उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का विश्वास है, वह अपना जीवन हृदय की स्वच्छता और पवित्रता से व्यतीत करता है। देखिए, चार पांच वाक्य लिखे गए हैं और बड़े महत्वपूर्ण वाक्य हैं। लिखते हैं कि जो उसका नहीं है उसे लेने की इच्छा से रहित होकर वो विहार करता है, जो दिया जाता है उसे ही वो ग्रहण करता है या फिर करती है, उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का विश्वास है, वह अपना जीवन हृदय की स्वच्छता और पवित्रता से व्यतीत करता है। वो जीवन की स्वच्छता से और पवित्रता से अपना जीवन व्यतीत करता है, अथवा वह कह सकता है कि श्रवण गौतम ब्रह्मचर्य से विरत रहो, वो ये भी कह सकता है कि श्रवण गौतम ब्रह्मचर्य से विरत रहो। फिर तथागत आगे कहते हैं कि वो ये भी कह सकता है कि श्रवण गौतम अब्रह्मचर्य से विरत होकर ब्रह्मचर्य युक्त होकर विहार करता है, वह अपने आप को मैथुन धर्म से, हीन धर्म से बहुत दूर दूर रखता है, वो ये भी तो कह सकता है। और इस तरह फिर तथागत आगे कहते हैं कि वो ये भी कह सकता है कि श्रवण गौतम मिथ्या भाषण का त्याग कर मृषावाद से दूर दूर रहता है। तथागत की प्रशंसा और तथागत की निंदा, इन दोनों बात की तुलना जो परिव्राजक सुप्रिय और ब्रह्मदत्त इनकी बात से आती है, उसी में अभी तथागत भी इन्वॉल्व हो गए हैं।
वह सत्य से नहीं हटता है, वह विश्वसनीय है, वह कभी अपने वचन को भंग नहीं करता। अथवा वह कह सकता है कि श्रमण गौतम अपने आप को किसी की झूठी निंदा से दूर रखता है। तथागत कहते हैं कि वो ये भी तो कह सकता है कि श्रमण गौतम अपने आप को किसी की निंदा से दूर रखते हैं और वो यहां सुनकर यहां के लोगों से झगड़ा लगाने के लिए उस बात को वही नहीं कहता, और जहां सुनकर वहां के लोगों से झगड़ा लगाने के लिए उस बात को ये नहीं कहता है। इस प्रकार वह झगड़ने वालों का मेल कराने वाला है, मित्रों की मैत्री बढ़ाने वाला है। तथागत कैसे हैं? मित्रों की मैत्री बढ़ाने वाले और शांति के प्रशंसक, शांति के लिए प्रयत्नशील रहता है जो, और ऐसे ही शब्दों का व्यवहार करता है जो, जिससे शांति की स्थापना होती है। आगे बाबा साहब लिखते हैं कि अथवा वो ये भी कह सकता है कि श्रमण गौतम कटु शब्दों का त्याग कर कठोर वाणी से दूर रहता है। अब जो वाणी निर्दोष होती है, जो वाणी कर्णप्रिय होती है, और जो वाणी अच्छी लगने वाली होती है, जो वाणी हृदय को आकर्षित करने वाली होती है, शिष्ट होती है, लोगों को खुश करती है, लोगों का मन हर लेती है, और ऐसी ही वाणी वो बोलता है। यहां इस बात को समझ लेना जरूरी है कि वाणी से होने वाले जितने भी दुष्कर्म हैं, उन दुष्कर्मों से तथागत दूर है। और ऐसी स्थिति में तथागत जब ये बात सुप्रिय और ब्रह्मदत्त को समझा रहे हैं, तो वो इस बात के परिप्रेक्ष्य में समझा रहे हैं कि इसमें सुप्रिय तथागत की निंदा कर रहा था, धम्म की संघ की निंदा कर रहा था, और ब्रह्मदत्त ये संघ की, धम्म की और बुद्ध की प्रशंसा कर रहा था। अब यहां देखिएगा, आगे और भी बात लिखी है, लेकिन इस बात से जुड़ने के लिए आपको अगली कड़ी का इंतजार करना होगा, क्योंकि ये वक्त हमारा पूरा होता है। हम यहीं रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी, तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।